खबर बुरहानपुर जिले से है, जहां स्वामी नारायण संप्रदाय के हरि भक्तों को निमंत्रण देने जलगांव महाराष्ट्र से एक रथ पहुंचा है। बता दें कि महाराष्ट्र के जलगांव में नव निर्मित स्वामी नारायण मंदिर में लक्ष्मी नारायण देव हरि कृष्ण महाराज की प्राण प्रतिष्ठा के लिए रथ बनाया गया, जिसमें लक्ष्मी नारायण देव हरि कृष्ण महाराज विराजमान है। जानकारी के अनुसार संतों ने जलगांव में करोड़ों की लागत से लाल पत्थर से मंदिर का निर्माण करवाया है, जिसमें 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है और इसी का निमंत्रण देने सभी संत बुरहानपुर स्वामी नारायण मंदिर में रथ लेकर पहुंचे और सभी हरि भक्तों को जलगांव आने के लिए निमंत्रण देकर आमंत्रित किया। श्री स्वामीनारायण मंदिर जलगांव मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव का रथ है और अनेक गांवों में घूमते घूमते यह रथ आज बुरहानपुर में आया है। जलगांव मंदिर का कई वर्षों से अच्छे से काम चल रहा है और बंसी पहाड़पुर पत्थर, जो लाल पत्थर होता है, उस लाल पत्थर में यह मंदिर बनाया जा रहा है। अब तक लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा तक खर्चा करके यह मंदिर बहुत अच्छा नवनिर्माण हो रहा है। यहाँ पर भगवान श्री स्वामीनारायण, इनके प्रासादीभूत श्री लक्ष्मी नारायण देव, इनकी प्रतिष्ठा 13 तारीख दिसंबर महीना में होने वाली है और 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक सुंदर मंदिर होकर तैयार हो जाएगा और उसमें भगवान की प्रतिष्ठा भी होने वाली है। वैसे ही श्री हनुमान जी महाराज, इनकी ब्लैक ग्रेनाइट की मूर्ति जो 54 फुट की होने वाली है, वह महाराष्ट्र में सर्वप्रथम मूर्ति होगी। उस मूर्ति का भी अनावरण और प्रतिष्ठा इस महोत्सव में होने वाली है।